ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं आप जापान, कभी ये देश द्वितीय विश्व युद्ध से पहले नाको चने चबवा रहा था दुनिया भर के देशों को, और इसमें चीन भी था शामिल। चीन में तो इसने 3 से 4 लाख लोगों को ऊपर का रास्ता दिखला दिया था, जो आज भी चीन जयंती मनाता रहता है। अब इस जापान ने जहां एक तरफ F-35 को लेकर अमेरिका को चेताया, तो वहीं दूसरी तरफ अब जापान और भारत चीन को सबसे बड़ा झटका देने वाले हैं। जापान का जहां इंटरसेप्टर तबाही मचाने के लिए तैयार है, तो वहीं भारत भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। क्या है ये सब कुछ, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। आखिर इस छोटे से देश में ऐसी कौन सी बात थी कि इस देश ने दूसरे देशों का जमीन कब्जाते अमेरिका जैसे देश को भी चैलेंज कर दिया। जापान जो एक छोटा सा द्वीप है, या ये कहें द्वीपों का समूह है, बड़े विश्व युद्ध का कारण बन गया। यहाँ तक कि इतने बड़े चीन के अंदर भी इसने बहुत सारी जमीनें कब्जा ली थी, और इसी कब्जाने के दौरान 3 से 4 लाख चीनियों को मार भी दिया था। उस वक्त का जापान बहुत क्रूर था, और ठीक आज जिस तरीके से चीन कर रहा है वैसा ही जापान करता था। आखिर वजह क्या थी, तो आपको बता दें, जापान के लोग उस वक्त टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे। दो चीजें हैं जापान में जो बहुत ही ज्यादा कीमती मानी जाती है और उनके जीवन का हिस्सा माना जाता है, और उनमें से एक चीज है समय। समय के जापानी लोग बेहद पाबंद होते हैं, और दूसरी चीज है टेक्नोलॉजी। जापान ने उन दिनों टेक्नोलॉजी में ऐसी महारत हासिल कर ली और अपने डिसिप्लिन से, अनुशासन से अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया रक्षा के क्षेत्र में कि आसपास के देश उसके सामने फटकने नहीं लगे। इस छोटे से देश ने अपने टेक्नोलॉजी के बल पर, अपने हथियारों के बल पर कब्जाना शुरू कर दिया आसपास के इलाका, और चीन भी अछूता न रहा। लेकिन अमेरिका के एक परमाणु हमले ने जापान को काबू कर लिया, और अमेरिका ने अपनी शर्तों के अनुसार जापान को अब अपनी सेना नहीं रखने की भी बात कह दी। अब आपको बता दें, जिस वक्त अमेरिका ने ये संधि की थी, उस वक्त जापान के अंदर ढेर सारी कंपनियां थी जो हथियार बनाती थी, फाइटर जेट बनाती थी, वो सारी कंपनियां बंद करवा दिया अमेरिका ने। बंद होने के बाद यही लोग जो चीन के रक्षा उपकरण बनाते थे, ये पहुंच गए आईटी सेक्टर में और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्रियों वगैरह में, जिसके बाद जापान ने वहां भी तरक्की की। फिर जापान शांति से रहने लगा, और अपना पूरा ध्यान जापान ने सिर्फ व्यापार की ओर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अब चीन ने फिर से उकसाना शुरू कर दिया जापान को। यहाँ तक कि चीन ने यह भी धमकी दे दी कि वो परमाणु हमला कर देगा जापान के ऊपर। एक बार परमाणु हमले से डरे जापान को डराने की कोशिश की चीन ने, लेकिन अब ये चीन को महंगा पड़ता हुआ दिख रहा है। हाल में जब जापान ने बिल्कुल प्रखर होकर ये कहा था कि अमेरिका का F-35 उनके लिए बेकार है, तब लोग चौंक गए थे, क्योंकि अमेरिका का ये सबसे एडवांस हथियार और एडवांस लड़ाकू जेट माना जाता है। दुनिया के कई देश इसे खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, फिर भारत ऐसी बात कैसे कर सकता है। पर इसके पीछे का कारण निकल कर सामने आया, और जब F-22 रैप्टर की बात की जापान ने कि आप हमें ये दे दो, पर अभी अमेरिका उसे नो सेल वाले कैटेगरी में रख रहा है, यानी अपने देश के बाहर नहीं बेचने के, तो जापान ने दिखाया अपना टेक्नोलॉजी का कमाल। और जो पहले से उसके पास 98 बोइंग F-15J लड़ाकू विमान थे, उनको बदल दिया है जापानी सुपर इंटरसेप्टर में। यानी जो F-35 का काम है वो तो जापानी सुपर इंटरसेप्टर करेगी ही, जो F-35 में कमियां है उसे दूर किया जा रहा है। एक तो काफी एडवांस रडार सिस्टम इस जापानी सुपर इंटरसेप्टर में लगा है, मतलब हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता बेहद ज्यादा बढ़ गई है। वहीं समुद्री गश्त लगाते समय भी इसकी ताकत दुगनी हो जाएगी, और ये लड़ाकू विमान हवा से हवा में मार करने वाली अपने देश में बनी हुई मिसाइल से लैस होगी। मतलब ये है कि यदि कोई चीनी पोत या फाइटर जेट जापानी क्षेत्र में घुसपैठ करता है या जापानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करता है, तो ये जापानी इंटरसेप्टर इन पर बमों की बारिश कर देगा, और ये जापान की वायुसेना को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना रहा है। और सिर्फ यही सेक्टर नहीं, बल्कि परमाणु पनडुब्बियों
कंपनियों से भी जापान खुद को लैस कर रहा है। इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि अपनी जीडीपी का 1% जापान अपने रक्षा पर खर्च कर रहा है। अब जापानी इंटरसेप्टर तबाही मचाने को तैयार खड़े हैं। कुछ ही सालों में आप देखेंगे जो चीन इस वक्त जापान को आंखें दिखा रहा है, वही जापान के डर से घर में दुबका रहेगा। और ऐसे भी अभी भी चीन सबसे ज्यादा अगर किसी से डरता है तो वो जापान से डरता है, और जापान अपने उस फॉर्म में वापस आ चुका है। खैर, जहाँ जापान ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं उसका मित्र देश भारत भी पीछे नहीं है। भारत और जापान इस वक्त दुनिया को अलग अलग तरीके से चौंका रहे हैं, और जिसमें अमेरिका भी है शामिल। जो अमेरिका कभी ये सोचा करता था कि भारत को अपनी शर्तों पर लड़ाकू विमान या हथियारों को बेचेगा, वो अमेरिका अब ये सोच रहा है कि कुछ सालों के बाद भारत बाजार रहेगा भी या नहीं रहेगा, कहीं उन्हें ही चैलेंज न कर दे। हाल के दिनों में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 बयान दिए। ये दोनों ही बयान रूस, अमेरिका, फ्रांस के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे, और पाकिस्तान के लिए एक बयान तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले बयान में ये कहा कि दुनिया के चाहे वो कोई भी देश क्यों न हो, उन्हें ये समझना होगा कि हमें अगर हथियार बेचना है तो हमारी शर्तों पर काम करना पड़ेगा। उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा और भारत में ही बनाना होगा हथियारों को। तो वहीं दूसरा बयान राजनाथ सिंह ने ये दिया कि पाकिस्तान हमें उकसाने की कोशिश न करे। पाकिस्तान अगर उकसाने की कोशिश करता है तो होगा ये कि हम सीमा पार करके फिर से एयर स्ट्राइक करेंगे। भारत के रक्षा मंत्री खुलकर जब ये बात कह रहे हैं, मतलब कि कुछ तो योजना बन रही है और कुछ तो पावर भारत के पास आ चुका है। पर अब अमेरिकी एक्सपर्ट और चीनी एक्सपर्ट दोनों ये मान रहे हैं कि भारत लगातार अपने एडवांस वेपन में, अपने अत्याधुनिक हथियारों में बढ़ोतरी करता जा रहा है। काफी दबाव बनाने के बावजूद भारत ने नवंबर दिसंबर के महीने में लगातार मिसाइलों का परीक्षण किया, और सारी मिसाइलें अलग अलग तरह की थी और घातक थी, जो बहुत ही ज्यादा विध्वंस फैला सकती हैं। ऐसे में जो ये देश है कोशिश भी कर रहे हैं दबाव बनाने का भारत के ऊपर और इस मिसाइलों की होड़ को रोकने का, तो भारत रुक नहीं रहा है। चैथम हाउस के अनुसार भारत अब कुछ सालों के बाद बाजार नहीं रहने वाला है, बल्कि भारत बनने वाला है हथियारों का एक्सपोर्टर। हथियारों की एक्सपोर्टर लिस्ट में जहां भारत का नाम नहीं आता था, वहां अब भारत काफी पायदान ऊपर आ चुका है। अगर कुछ सालों के बाद भारत अमेरिका रूस के बगल में खड़ा मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जिस रफ्तार से जा रहा है, क्या भारत हथियारों का बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। नई